अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कैरी का शरबत। तो उसके लिए मैंने ये छोटी छोटी ले ली हैं, ये जैसे मैंने ये इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, ऐसे ही इनके भी छिलके उतार लेने हैं। उसके लिए मैंने पुदीना ले लिया है और ये चीनी ले ली है और लेमन ले लिया है, जूस निकाल लिया उसका, और उसके साथ ये नमक जाएगा। और चलें इसके भी छिलके उतार लेते हैं और फिर इसके बाद इनकी कटिंग करेंगे। अब ये देखें हमने इनका छिलका उतार लिया, अब इसको ऐसे काट लेते हैं। ये बिल्कुल नरम है और ये बीज निकाल लेंगे इसका और ये इसकी कटिंग कर लेंगे छोटी छोटी, ताकि हमें ब्लेंड करने में आसानी हो। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स में काटेंगे, ऐसे हम ये सारी काट लेते हैं। अब ये देखें हमने इनको ट्यूब्स में काट लिया है, अब हम इनको ब्लेंड में डालेंगे। और ये लेमन जूस डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब है, चीनी और ये नींबू के पत्ते हैं पुदीने के, और ये बस चुटकी भर हमने इसमें डालना है नमक। अब ये 1 गिलास हम पानी डालेंगे और अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब ये देखें ये ब्लेंड कर लिया मैंने और ये रेडी है, और मैंने ये क्यूब्स डाले हैं पहले ग्लास में, और अब इसमें ये हम डालते हैं अपना शरबत। अब ये देखें हमारा कैरी का शरबत रेडी है, ठंडा ठंडा, ये इसी मौसम में पिया जाता है और ये जिस्म को ठंडक देता है, और इसे इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।